हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल कैफे इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा टेंसेस। जैसा कि आपको पता होगा और आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से देखे हो तो वहाँ पे जो इसके पहले हम टेंसेस को कंटिन्यू कर रहे थे उस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हमने कंप्लीट कर लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ये तीनों कंटिन्यूअस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अगर टेंसेस की बात करी जाए तो टेंसेस में दो पार्ट बच गए थे, यानी कि एक बच गया था परफेक्ट टेंस और एक उसके बाद बच गया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले इस लेक्चर में हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद मूव करेंगे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की तरफ। आपको पता होगा कि टेंसेस का वेटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पूरे के पूरे लेक्चर में आपका पूरे के पूरे पेपर में टेंसेस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है और इसके अलावा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो पहले हम टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि टेंसेस से एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसके अलावा एक और चीज की जिसको लेबर इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशंस को लेकर डाउट था, तो उसका डाउट कल के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा क्योंकि कल मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि लेबर इंस्पेक्टर के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी। और इसके अलावा जो आईटी ऑपरेटर वाली पोस्ट आने वाली है, आईटी ऑपरेटर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, वो भी मैंने कल क्लियर कर दिया था कि क्या इस बार चेंजेस हुए हैं आईटी ऑपरेटर के पेपर में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर में हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहली बात है कि परफेक्ट टेंस यूज कहां पे किया जाता है। सबसे पहली बात कि परफेक्ट टेंस यूज कहां पे किया जाता है, तो परफेक्ट टेंस वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो यहां पे जो काम जस्ट नाउ कंप्लीट हुआ है, यानी कि पहले चल रहा था और फिर अभी अभी खत्म हो गया, तो इसे क्या बोला जाता है? परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में तीनों के तीनों पार्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहां पे होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पे यूज होता है जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, वहां पे कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में जैसे ही परफेक्ट टेंस का यूज होता है तो परफेक्ट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेंस का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने हमेशा देखा होगा कि मेनली जो आपके सामने सेंटेंस दिखाई देते हैं उसमें हैज या हैव आपको दिख जाता है। अब हैज या हैव किस चीज की पहचान होती है? हैज या हैव जहां पर भी दिख जाए वहां से समझ लेना कि परफेक्ट टेंस यहां से चालू हो गया। अब अगर बात करी जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। फिर क्या आता हैज या हैव? हैज या हैव किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यानी कि जैसे अगर बात करी जाए तो राम श्याम जैसे कोई नेम हुआ तो नेम के संग में क्या आता है? हैज आता है। और मेनली प्लूरल जैसे वर्ड्स के लिए क्या आता है? हैव। लेकिन यहां पे आई और वी एक्सेप्शन, यानी कि आई के संग में क्या आता है? आई के संग में भी हैव आता है और इस तरीके से यू के संग में भी हैव ही आता है। यानी कि आई और यू क्या हो गए? यहां पे एक्सेप्शन हो गए। बाकी सारा क्या डिपेंड करता है? सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर बात करी जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी कि उसने अभी भी उसका भी एक लेटर लिखना खत्म हुआ तो वहां पे क्या यूज करेंगे? रिटन। क्योंकि राइट रोट रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। और फाइनली क्या चीज यूज होगी? ऑब्जेक्ट। यानी कि ओवरऑल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब हैज और हैव का जो हम मेनली मैं यूज बता रहा हूं, लेकिन हैज और हैव का यूज अदर वेज में भी किया जाता है, लेकिन अदर वेज का वो आपको तब यूज समझ में आएगा जब हम इस चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की। यानी कि जो ऐसा कोई काम जो पास्ट में खत्म हो चुका था तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट पे उसी टाइम पे खत्म हो गया तो वहां पे क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्ट्रक्चर सेम ही रहता है सब्जेक्ट, और जहां पे हैज और हैव यूज हो रहा था हैज हैव की जगह पे क्या आ जाता है? हैड। यानी कि वह कार्य कर चुका था, तो जहां पे भी चुका था चुकी थी वाले कार्य का चीजें यूज हो रही हैं तो वहां पे क्या यूज हो जाता है? हैड। और फिर सेम चीजें वहीं रहती हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि वह कार्य कर चुका था तो ही हैड डन दैट वर्क, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ही हैड डन दैट वर्क, यानी कि उसने वह कार्य कर चुका था। यहां पे किस चीज के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं करती? सिंगुलर और प्लूरल
कलर के हिसाब से हैज हैव में चेंज नहीं होता, तो कहीं भी अगर आपको दिख रहा है कि हैड हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करी जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां पे यूज होता है कि जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वहां पे कौन सा टेंस यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। ऐसी जगह पर यानी कि कोई कार्य, ऐसा कोई कार्य जो फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा वहां पे कौन सा टेंस यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हम हैज हैव हैड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैज हैव हैड तो यूज होता ही है, लेकिन संग में क्या लग जाता है, शैल या फिर विल लग जाता है। यानी कि पहले शैल और विल लगेगा, और शैल और विल के बाद में क्या लगता है, शैल और विल के बाद में लगता है हैव, और हैव के बाद क्या लगेगा, वही सेम चीज के वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेम ही था लेकिन जहां पे हैज आप यूज कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करिए तो यहाँ पे शैल हैव हो जाता है या फिर विल हैव हो जाता है। अब शैल और विल का मैं आपको यूज बता चुका हूं कि आई और वी के संग में कमीशन क्या, जनरली क्या यूज होता है, शैल यूज होता है, और बाकी की सारी चीजों के संग में क्या यूज होता है, हमेशा विल यूज होता है। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हो जाता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां पे यूज होता है, जब कोई कार्य फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, यानी कि आप ऐसा कार्य सा बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये लेक्चर फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, तो यहां पे कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप चलते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस क्या है, जब यहां पे परफेक्ट टेंस खत्म हो जाता है, परफेक्ट टेंस के बाद कौन से टेंस चालू होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेशलिटी क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी अगर आपको कभी भी एग्जांपल मिलेगा या फिर कोई भी अगर आपको सेंटेंस को डिटरमाइन करना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि नहीं है, वहां पे सिर्फ एक चीज देख लेना, उस सेंटेंस में आपको सिंस या फिर फॉर दिख रहा होगा, सिंस या फिर फॉर दिख रहा होगा। ये किस चीज की पहचान होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, सिंस या फिर फॉरवर्ड। तो जहां पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिख रहा है कि सिंस और फॉर इसमें लगा है, तो वहां पे समझ लेना किस चीज की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब सबसे पहले किस टेंस की बात करेंगे, हम किस चीज की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करी जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस की यानी कि ऐसा कोई कार्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करी जाए तो ऐसा कोई कार्य जो फ्यूचर में चालू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि कोई कार्य जो फ्यूचर में पास्ट में चालू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आता है। यानी कि वह कल रात से खाना खा रहा है, तो यानी उसने खाना खाना कब चालू किया था, कल रात चालू किया था उसने खाना खाना, लेकिन अभी भी वो खाना खा रहा है, तो यहां पर कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में चालू हुआ था, पास्ट में ही चलते चलते खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसा कोई कार्य जो अभी चालू हुआ है और हमें फ्यूचर में उसके खत्म होने की उम्मीद है या फिर वो फ्यूचर में भी चल रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से तीनों सेंटेंस का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन जनरल इंग्लिश में हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करिए तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वही सेम चीज रहती हैज या फिर हैव, लेकिन यहां पे क्या एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, यहां पे क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीन। और सिंस कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, यानी कि कार्य चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो जाता है। यानी कि अगर लिख रहा है तो राइट की जगह क्या हो जाएगा, राइटिंग। और यहां पे एक इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती है वो क्या यूज होता है, सिंस या फिर फॉर। क्या यूज हो जाता है, सिंस या फिर फॉर। और सिंस या फिर फॉर के बाद हम बता देते हैं कौन से टाइम से, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं कल रात से लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग सिंस, मैं कब से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग सिंस यस्टरडेज नाइट, यानी कि मैं कल रात से लिख रहा हूं। तो यहां पे कोई कार्य मैंने कल चालू किया था लेकिन आज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि सिंस और फॉर कहां पे यूज होते हैं। सिंस यानी कि सिंस कहां पे यूज होता है कि आपको ये पता हो कि वो कार्य स्टार्ट कब से हुआ था। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं कल रात से लिख रहा हूं, तो जहां पे भी ऐसा आपको पता हो कि एक ड्यूरेशन है, ये कार्य कब से चालू हुआ था, तो वहां पे क्या आता है, सिंस आता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं दो दिन से कंटिन्यू लिख रहा हूं,
तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आप अवधि बता रहे हो यानी कि टाइम ड्यूरेशन बता रहे हो, तो टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर यूज करते हैं। तो सिंस कहां पे यूज होता है, जहां पे आपको पता हो कि स्टार्टिंग टाइम क्या था, उस कार्य की स्टार्टिंग कब से हो रही थी, और फॉर कहां पे यूज करते हैं, जहां पे आप ड्यूरेशन बता रहे हो कि आई हैव बीन राइटिंग सिंस फॉर टू डेज, यानी कि मैं दो दिन से लिख रहा हूं, तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, फॉर यूज हो जाएगा। तो ओवरऑल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब अगर चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन जहां पे हैज हैव यूज हो रहा था वहां पे हैज हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज हैव की जगह पे सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, यहां पे हैज हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड, यानी कि शी हैड बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, और वो क्या हो रहा है, कल से लिख रही थी। तो ओवरऑल क्या हो गया कि यहां पे हैज हैव की जगह पे क्या चेंज हो जाता है, हैड आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट में सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कितना चेंज हो जाएगा कि सब्जेक्ट, ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, और फिर फाइनली क्या आ जाता है, टाइम बता देते हैं कि कब से ये कार्य चल रहा है या फिर कितने ड्यूरेशन से ये कार्य चल रहा है। इस तरीके से अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करी जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करी जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, सेम चीजें रहती हैं, बस यहां पे क्या जुड़ जाएगा, विल या शैल जुड़ जाएगा। तो शैल या फिर विल, वही सेम चीज कि हैव यहां पे लगता है, लेकिन सिंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। तो ही यहां पे विल शैल हैव फिर बीन फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, सिंस फॉर प्लस टाइम, और यहां पे क्या आ जाएगा, सिंस फॉर की जगह पे क्या आ जाता है, या तो यहां पे मेनली फॉर वाला केस रहता है, तो फॉर और या फिर फ्रॉम और फिर टाइम, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ, तो फॉर या फिर फ्रॉम और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, टाइम। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मेनली आपके 12 टेंसेस खत्म हो गए, 12 टेंसेस खत्म होने के बाद आपका टेंस वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब आप नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हो, और अगर आप जनरली कोई भी बात कर रहे हो तो आप ये आराम से बता सकते हो कि ये पूरा का पूरा मैं बात कौन से टेंस में कर रहा हूं, या टेंस का कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है। नाउ जस्ट यू नीड दैट, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आपको किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद जिस चीज की बात करी जाएगी वो चीज कौन सी होगी, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। अब एक्टिव और पैसिव एक ऐसी चीजें हैं जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हमें आदत होती है कि हम हमेशा किसी की बात किसी और को बताते या फिर दूसरे वे में बताते, खैर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस कहां पे यूज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे पहली बात है कि आपको अंतर पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में जो मेनली फॉर्मूला यूज हम करते हैं वो क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे अभी हमने सेंटेंस पूरे के पूरे टेंसेस पढ़े, तो टेंसेस हमने पूरे के पूरे इसी फॉर्मेट में पढ़े थे, तो यहां पे क्या यूज हुआ कि यहां पे हमने मेनली इसको क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वह ये कार्य करता है या फिर वह ये कार्य करता है। तो यहां पे हम क्या बताते हैं कि यह कार्य वह करता है, लेकिन वह ये कार्य करता है तो यहां पे हमने किसकी प्रधानता बताई कि वह ये कार्य करता है। अब इसके बाद अगर बात करी जाए इसको पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह कार्य उसके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस में क्या चेंजेस हुआ कि वह ये कार्य करता है या वह कार्य उसके द्वारा किया जाता है। तो यहां पे आप सेंटेंस को क्या करोगे, एक दूसरे फॉर्मेट में यूज करोगे और इस तरीके से पूरा का पूरा टेंस आपका चेंज होता है। अब लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानना कि जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ओवरऑल यहां पे कन्वर्जन के बहुत सारे रूल्स या रेगुलेशंस यूज होते हैं। जैसे आपने टेंसेस बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े, इस तरीके से वो सारे के सारे टेंसेस को अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज होते हैं। तो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, और ये सीधे के सीधे कन्वर्जन आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे इंग्लिश के तो आप देख लीजिए, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैं शुरुआत इसलिए नहीं कर रहा हूं यहां पे क्योंकि अगर मैं अभी शुरू करता हूं तो फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब अगले लेक्चर में स्टार्टिंग करूंगा मैं। तो अगले लेक्चर से ही
स्टार्टिंग करके पूरा का पूरा इंट्रो लेके पूरा एंडिंग तक अपन उसको फिनिश करेंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को, और फिर उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर। और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, बैंक, एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, व्यापम, किसी भी एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हो तो पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो 9039055453 या 9777167716। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे, और एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लीजिए। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में।